ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर बत्रा? आपको गलतफहमी हुई होगी। Are you sure? Thanks. क्या हुआ है कुणाल? करण, थैंक्स। किसके लिए? वो तुमने माँ के बैकअप नॉमिनेशन पेपर्स भरे थे उसके लिए। उनके ओरिजिनल पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे, तुम्हारे एक्सेप्ट हो गए। अगर तुम ये पेपर्स नहीं भरती तो पता नहीं क्या होता। ओह गॉड, मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन कुणाल, इसका ये मतलब है कि पार्टी में कोई खास इंसान ऐसा है जो मैम से कुछ नहीं लगता? क्योंकि ये काम कोई बहुत ही खास इंसान कर सकता है। मुझे याद है ये पेपर्स तो तुम्हारी बुआ जी ने फाइल किए थे। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जब फॉर्म हमारी तरफ से ही गलत भरे गए थे तो वो सही कैसे हो गए? और रिजेक्ट होने के बजाय प्रियंवदा देवी का फॉर्म सेलेक्ट हो गया। फॉर्म भी सेलेक्ट हो गया और नाम भी चुनाव आयोग के नोटिस बोर्ड पर सबसे पहले नंबर पर छप गया। सारा प्लान धरा का धरा रह गया। प्रिया के फॉर्म तो मैंने खुद अपने हाथों से भरे थे, फिर भी उसके फॉर्म सिलेक्ट होने का मतलब, जो फॉर्म हमने सबमिट कराए थे उसके अलावा और भी फॉर्म सबमिट कराए गए हैं। लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी तो आपको सौंपी थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलती से सही फॉर्म सबमिट कर दिए हो? रघुनंदन जी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है और मुझे ऐसी गलतियां करने की आदत नहीं है। फॉर्म सिलेक्ट होने का मतलब देर सवेर ये बात खुलेगी कि प्रिया के फॉर्म्स गलत भरे गए हैं, और ये बात अगर प्रिया तक पहुंच गई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब गड़बड़ तो हो ही चुका है सब। ये खबर हम तक पहुंच भी गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा भागवत जी, अपना विश्वास मैं इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। मेरे परसों की मेहनत है, ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगी। इस समस्या का हल मुझे निकालना पड़ेगा। माँ, दुनिया में सब तुम्हारी तरह नहीं होते, और तुम्हें क्या लगता है खून के रिश्तों में धोखा नहीं होता? तारीख गवाह है, खून के रिश्तों में सबसे ज्यादा धोखा होता है। और वैसे भी आजकल किसी के बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जहां तक बुआ का सवाल है, बैठ के चले जाने के बाद से मुझे हमेशा उनके रंग ढंग पे हैरानी हुई। अब भी वक्त है माँ, मेरी बात मान लो। बुआ हमारी पार्टी में रह के ऑपोजिशन पार्टी का काम कर रही है। करण, किसके बारे में बात कर रहे हो जरा सोचो तो सही। तुम्हारी बुआ है वो, तुम्हारे पिता की बहन। उनका और हमारा रिश्ता कल का नहीं है, बरसों पुराना रिश्ता है। दीदी हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। हो सकता है कि ये भागवत के साथ रघुनंदन की मिली भगत हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे। वहीं सब हमारे खिलाफ आपस में मिलते जा रहे, और वो रघुनंदन का बच्चा वो तो पैदाइशी नमक हारा, उसके खून में वफादारी का एक कतरा तक नहीं। रघुनंदन जैसे लोग अपना जमीर बेच सकते हैं। राजनीति में जिन लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, वो लोग अपने सिद्धांतों के नहीं मौके की ताक में होते हैं। एक बात और, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी में एक ही रघुनंदन नहीं है, उस जैसे कई और गद्दार हैं। उस एक को सबक सिखाएंगे, बाकी सब डर के मारे
खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे वहां। गलत वक्त पर अपनी नाराजगी को जाया मत करो करण, उसका नतीजा कुछ नहीं होगा। अपने गुस्से को सही वक्त के लिए संभाल के रखो। अगर आज रघुनंदन हमारी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सब्र की इंतहा तो होने दो, फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। अरे बुआ जी, आइए आइए बैठिए। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसे हुआ है कुणाल। इंसान आखिर किस पर भरोसा रखे और किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कुणाल बेटे, प्रिया की जो नॉमिनेशन की फाइल जो मैंने सबमिट की थी वो रिजेक्ट हो गई। ये फाइल आपने किसी और के हाथ में दी थी? रघुनंदन के पास मैंने वो फाइल दी थी, वो भी कुछ देर के लिए। मैं ऑफिस में इंक्वायरी करने गई और बस। बुआ जी, हमारे खिलाफ साजिश हुई है और इसमें मोहरा आपको बनाया गया है। प्रिया को क्या कहूँ मैं, क्या जवाब दूँ मैं उसे? आप परेशान मत होइए बुआ जी, रघुनंदन जैसे लोग ना हमारी पार्टी के लिए अच्छे ना ही स्टेट के लिए। आप घर वापस लौट जाइए, रघुनंदन का फैसला वही होगा। तुम वापस नहीं आ रहे हो? आ जाऊंगा बुआ जी, थोड़ा सा काम बाकी है, खत्म होते ही आ जाऊंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना जी। देखो, मेरे जैसे सीनियर किसी पे भरोसा मत करना। बहना 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 बहना, कैसी हैं आप? अरे ये क्या, मेरी बहन के चेहरे पर परेशानी? छे, लानत है मुझ जैसे भाई पर। मेरे होते हुए मेरी बहन के माथे पर चिंता की लकीरें? बहना, आखिर बात क्या है? टोनी वो। बहना बहना, कितने दिनों के बाद आपने मेरा नाम प्यार से लिया है। मैं तो तरस ही गया था कि मेरी बहन कभी मुझे प्यार से भी बुलाएगी। एनीवे, कहिए आपका ये निकम्मा भाई आपके किस काम आ सकता है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस लायक समझा। आज आपने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। अब कोई और मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैं आपके किसी काम आ सका। कहिए, आपका ये इकलौता भाई आपके किस काम आ सकता है? टोनी, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, प्लीज। हाँ हाँ, बिल्कुल, हम दोनों के बीच में रहेगी। आप बताइए तो सही। समझ गए ना? समझ गया बहना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपने इतने दिनों के बाद अपने भाई पर भरोसा किया है और मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। चलता हूं।
कुछ चाहिए? हाँ कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। क्या ढूंढ रहे हो? अरे कुछ नहीं, कहा ना तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगा। क्या ढूंढ रहे ऋषभ, बताते क्यों नहीं, परेशान क्यों लग रहे हो? रुचिका तुम्हें एक बार में बात सुनाई नहीं देती क्या? तुम्हें कहा ना जाकर अपना काम देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जाओ यहां से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ऋषभ, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। भगवान, कृतिका तुम मेरी बात एक बार में सुनती क्यों नहीं हो? जाओ ना यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी यहाँ से। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, जब तक तुम नहीं बताओगे क्या ढूंढ रहे हो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, क्या बात है बेटी? पापा मेरे से कुछ पूछना चाहते, ऋषभ को क्या बीमारी है, कैसी दवाई ले रहा है वो और कब से ले रहा है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है पापा, और मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा है। ऋषभ ने तुमसे झगड़ा किया? पापा मैं झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऋषभ के बीमारी के बारे में आपसे पूछ रही हूँ। किसने कहा हमारा बेटा बीमार है? किसने कहा? वो बिल्कुल ठीक अच्छा वाला है, उसने तुम्हें परेशान किया ना, तुम चिंता मत करो मैं उससे बात करूंगा। का बेटी ये समय ऋषभ की चिंता करने का नहीं है, चुनाव की चिंता करने का है, चुनाव की चिंता करने का। क्या है कि ऋषभ को गांव देहात में रहने की आदत नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा। तुम इस वक्त अपना पूरा ध्यान सिर्फ चुनाव पर केंद्रित करो, मैं चाहता हूं कि तुम ये चुनाव जीतो, हर हालत में जीतो। तुम्हारी हार गांव देहात में रहने वाले उन मजलूमों की हार होगी जिनके लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूं कि ये चुनाव जीतो, हर हालत में जीतो। तुम्हारी हार गांव देहात में रहने वाले उन मजलूमों की हार हो, मजलूमों की हार, 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 मजलूमों की हार हो। कुणाल एक मिनट रुको, इस ढाबे में खाना खाए? गेस्ट हाउस में खाना बना हो या ना? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, सुबह तुमने मुझसे सिर्फ थैंक्स कहा था, प्लीज डिनर खिला दो। ठीक है, उत्तर में गाड़ी पार्क कर गया था। पार्टी नेताओं की तादाद से नहीं, उनके भरोसे से मजबूत बनती है। हर पार्टी के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। विशाल प्रदेश के विकास के कार्यक्रम ने हम सबको एकजुट करके रखा हुआ है। अगर पार्टी का हर नेता अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम करने लगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ना ही ये पार्टी और ना ही ये सरकार। इस माहौल को देखते हुए हमें लगता है कि हमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। आप लोग हमारी चिंताएं समझ सकते हैं। लगता है हमें आने में कुछ विलंब हो गया। मीटिंग शुरू हो चुकी है। खैर, आइए आइए, आइए।
प्रेमवदा जी, जिसका भाग्य साथ देता है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे प्रेमवदा जी, हमें खुशी इस बात की है कि दुश्मनों के लाख जाने के बावजूद आपकी उम्मीदवारी पर कोई आंच नहीं आई। वैसे आज की मीटिंग का मुद्दा क्या है? रघुनंदन जी, जिन सदस्यों के लिए कोई मुद्दा अहम नहीं है या जो अपने उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे, उन सदस्यों के लिए अब इस पार्टी में कोई जगह नहीं। सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया है कि आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाए। मुझे निलंबित किया जाएगा? अरे हमने इस पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया? अपनी सारी जवानी दे दी इस पार्टी को मजबूत करने के लिए। हमारे इतने सालों की ईमानदारी पर यूं पानी फिर जाएगा? उसका हमें ये इनाम मिलेगा? हम पूछते हैं, आखिर हमारा कसूर क्या है? आपका कसूर क्या है? इस पार्टी में रहकर आपने विपक्ष के साथ काम किया, वो सब कुछ किया कि ये पार्टी कमजोर हो जाए, इस सरकार की छवि खराब हो जाए, हमारे खिलाफ ऐसी साजिश रची कि चुनाव में हमारी उम्मीदवारी रद्द हो जाए। ये सब इल्जाम इस पार्टी के प्रति आपकी ईमानदारी और भरोसा साबित नहीं करते। रघुनंदन की पार्टी, आप जा सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन आपने सारे गलत इल्जाम लगाए रघुनंदन त्रिपाठी पर। हम चुप नहीं बैठेंगे। अरे पार्टी के नाम पर आपने हमेशा अपने परिवार को देखा है, अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर सभी के साथ पक्षपात किया है आपने। हम इस अपमान को याद रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इस अपमान को भूलूंगा नहीं मैं। याद रखिए।